हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महत्तम 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें की पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नाम का भयंकर नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा, इनको लात मारते हैं, उन पर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नाम का नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नाम के कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा करके नाम का भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 मंत्र वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विचोह कराने वाले प्राणी यहाँ 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं। कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इस नरक में नाना प्रकार के सांपों को यमदूत पापियों पर चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब इसे देखो, यह कूट शाल्यली नाम का 5वां नरक है, जिसमें कि समेट कर लाए गए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह भी यातना के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। अब यह देखो, यह उल्वण नाम का 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जा रहा है। जो लोग बक्षा भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देखो, ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेदों से यह नरक भी 6 प्रकार का है। अब इसे देखो, यह 7वां कुंभी पाक नाम का नरक है। यह भी बहुत ही भयंकर है। ये ब्राह्मण, इसके भी 6 प्रकार हैं। इसमें महापात की लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्द भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पांडाकते, मालिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अति पाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है, वह इन 7ों नरकों से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। क्योंकि तुम कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रखते हो, उनके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब नरक दिखाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उन्हें वहां का राजा बना दिया। वहां पर उनका नाम धनयक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफलदाता है। इसके बराबर दूसरा कोई पुण्य कर्म नहीं है। जो भी कोई यह व्रत करता है या व्रत करने वाले का दर्शन ही करता है, उसे अवश्य ही मुक्ति मिल जाती है। श्री कार्तिक मास महत्तम 32वां अध्याय समाप्त। कार्तिक महीना, मंगलवार की कथा। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारिणी रोज जाया करती थी। चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती। कहती, कांधे सोटो, लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी। मैंने तुमको दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करके घर आई तो बहू कहने लगी, सासू जी, तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाओ हो? सासू जी बोली, बालाजी के मंदिर में जाऊँ हूँ। बहू बोली,
मंदिर में तो नहीं जाओ हो सासू जी। अब इस पर सास कुछ भी नहीं बोली, ना खाया ना बनाया, जाके सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, तूने मुझे दिया जवानी में, मैं तुझे बुढ़ापे में दे हूँ। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? तब हनुमान जी बोले, मैं रोज़ देकर जाया करूँगा। अब बुढ़िया माई ने चूरमा रोटी खा ली। बहू के घर में कुछ भी नहीं रहा, सब चीज़ में घाटा होने लगा। बहू कहने लगी, सास को देख के आऊँ, 7 दिन हो गए, मैंने तो कुछ खाने को भी ना दिया। बहू ने जाकर देखा तो देखा सास खूब मोटी हो रही है। बहू बोली, सासू जी तुम्हें तो मैंने खाने को भी ना दिया, तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी देके जावे हैं, वो मैं खाऊं हूँ। अब बहू सास के पैरों में पड़ गई, कहने लगी, हम तो तुम्हारे ही भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो अब कुछ भी ना रहा, अब आप ही संभालो। सास फिर से रोज चूरमा रोटी हनुमान जी को चढ़ाने लगी। उनके घर में फिर से खूब धन हो गया। जैसे हनुमान जी ने सास की पर कृपा की, वैसे सब पर करना, कथा कहने वाले और सुनने वाले पर भी। हरे कृष्णा, राधे राधे।